sorry, it's DJ. नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज, छोटा मंच कौन बनेगा करोड़पति में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम एक जो है बहुत देश का सबसे ज्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करते हैं कि आईएएस का रिजल्ट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आईएएस का रिजल्ट आ गया है। यूपीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट जो है, अभी हाल ही में जो इंटरव्यू हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। उसका डिटेल मैं आपके सामने पेश करूँगा। सर्विस एग्जामिनेशन 2019 का रिजल्ट आ गया है। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि बहुत बड़ा एग्जाम ये होता है, क्योंकि भारत की तकदीर इसे लिखी जाती है, क्योंकि हमारे देश के आईएएस आईपीएस ऑफिसर के कंधों पे ही कर्णधार होते हुए इस देश को आगे ले जाने में, तरक्की कराने में, आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने में। तो इसका एग्जाम जो हुआ था यूपीएससी 2019 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 का प्रीलिम्स का एग्जाम जून में हुआ था। जैसा कि आप यूपीएससी के साइट में जाएंगे तो पता चलेगा कि प्रीलिम्स का एग्जाम कब हुआ था, 3 जून 2019 को हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कि सितंबर 2019 में मेंस का एग्जाम लिया गया था। उसके बाद फरवरी से लेकर अगस्त 2020 तक जो है इंटरव्यू चली थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि इंटरव्यू इतना लंबा क्यों चली थी जी? तो बताता हूँ, कोरोना आ गया था, देश में लॉकडाउन था, फरवरी और मार्च में ही इंटरव्यू खत्म हो जाना था, लेकिन कोरोना के कारण जो है कुछ हेल्ड कर रखा था। उसके बाद अगस्त में फिर शेष इंटरव्यू लिया गया था। तो अब रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, इंपॉर्टेंट सर्विस जैसे आईएएस आईएफएस और आईपीएस और सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज जो होती है, यूपीएससी के द्वारा सेलेक्शन होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 829 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है दोस्तों यूपीएससी सर्विस में। सारे लोग तो आईएएस नहीं बने हैं, जिसका रैंक ऊपर है तो वही लोग आईएएस बनते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टॉप कौन हुए हैं, उसके बाद शुरू करते हैं ना। तो टॉप हुए हैं, देख सकते हैं, टॉप हुए हैं प्रदीप सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। फिर फर्स्ट रैंक में प्रदीप सिंह, सेकंड रैंक में जतिन किशोर, थर्ड रैंक में प्रतिभा वर्मा और चौथे रैंक में हिमांशु जैन और पांचवें रैंक में जयदेव सीएस। तो जोरदार तालियां इनके लिए और 829 कैंडिडेट के लिए जोरदार तालियां। आप देख सकते हैं इसके सारे वो लिस्ट में आप जब स्क्रॉल करेंगे तो सारे लिस्ट मिल जाएगा। देखिए 829 सीटें हैं, 829 को रिकमेंड किया गया है। सीटें तो और भी थी, लेकिन ये 829 सीटें को रिकमेंड किया है यूपीएससी ने। तो अब हम डिटेल में जाते हैं कि 829 सीट का रिजल्ट जो निकला है उसमें जनरल कितने हैं, ईडब्ल्यूएस कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, और टोटल को आप जोड़ सकते हैं इसमें, जैसा कि जोड़ के बताया गया है। तो जनरल में 304 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस में 78 सीटें थी रिकमेंड किया गया है, ओबीसी में 251, एससी 129 और एसटी में 67 और टोटल मिला के 829। उसके बाद भी इसका विवरण है, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ट में जनरल में भी होता है, ईडब्ल्यूएस में भी होता है, ओबीसी में भी होता है, एससी में भी होता है और एसटी में भी होता है, टोटल मिला के 829। उसके बाद और भी जो है इसको डिटेल से इसको लिस्ट को जारी किया गया है कि जनरल में जो है 91, ईडब्ल्यूएस में 9, ओबीसी 71, एससी 8 और एसटी 3 189। रिजर्व सीट की बात कर रहा हूँ, रिजर्व सीट में मतलब जनरल में आप सोच सकते हैं 91 कैसे आ गया जनरल में। तो जनरल में 10% रिजर्वेशन मिला था ना ईडब्ल्यूएस वाली में, उसमें से ये टोटल लिख रहा हुआ। जनरल मतलब क्या, जनरल में एससी में क्यों आता है कि वो उसका जन्म में कम्प्लीट किया होगा नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि सर्विस अलॉट कितने को हुई है। आईएएस में 180 आईएएस बने हैं, आईएफएस में इंडियन फॉरेन सर्विस में 24, आईपीएस में 150। ये देखिए सर्विस, यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विस, इन फॉरेन सर्विस का रिजल्ट अलग से आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप आईएएस में जनरल में 72, ईडब्ल्यूएस में 18, यहाँ पर सकते हैं 18, ये 52 और एससी में 25 और एसटी में 13, टोटल मिला के 180। आईएफएस में हम जाते हैं
तो देखते हैं कि जनरल में 12 का सिलेक्शन हुआ है, EWS में 2 का सिलेक्शन हुआ है, OBC में 6 का सिलेक्शन हुआ है, SC में 3 का हुआ है, ST में 1 का हुआ है, टोटल मिला के 24 हुआ है। IPS में हम जाते हैं तो 60 जनरल कैंडिडेट, EWS 15, OBC 42, SC 23, ST 10 और टोटल 150 हुआ है। ठीक है, तो मैं ये रिजल्ट देखो आप जो है, कुछ कुछ रिजल्ट ऐसा होता है इसमें विथ हेल्ड करके रखना पड़ता है 11 कैंडिडेट्स, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या फिर कुछ कानूनी अड़चन आते हैं तो विथ हेल्ड, और या फिर मतलब सीट से ज़्यादा जो है जैसे कुछ छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि 8-9 सीट निकला और कुछ लोग छोड़ देते हैं तो उसमें से पीछे से ले लिया जाता है ना, तो इस तरह 11 का विथ हेल्ड रखा गया है। तो अब आप देख सकते हैं एक बार फिर से प्रदीप सिंह जी के लिए जोरदार तालियां, जिसने पूरे भारत में अपना परचम लहराया। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि रिजल्ट आ गया है, UPSC के बहुत सारे कैंडिडेट मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं, करोल बाग में तैयारी करते हैं, राजेंद्र नगर में तैयारी करते हैं, मतलब सब दिल्ली में सिचुएटेड है, उसके बाद पटना में तैयारी करते हैं, रांची में तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। तो दोस्त जिनका हुआ है बहुत सारी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं उनके, मेरा शुभकामनाएं उनके साथ है, आपके साथ है, और जो असफल हुए हैं मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम मत हार, तुम मत निराश मत हो, एक बार फिर से कमर कस तो कामयाब हो जाएगा। मैं उसके लिए बस इतना ही एक शायरी कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कभी उदास मत होना, जी हाँ जिंदगी में कभी उदास मत होना, किसी बात पे नाराज मत होना, कि जिंदगी तो संघर्ष है यूं ही चलती रहेगी, अब कभी अपने जीने का अंदाज मत बदलना। धन्यवाद साथियों। साथियों नमस्कार, जैसा कि आपको अपने डिटेल से बताया है कि 829 सीटों का रिजल्ट आ गया है, UPSC 2019 का रिजल्ट आया है, बहुत बहुत बधाई हो, और असफल लोग जो हुए हैं उनके लिए है कि आप कभी निराश मत होना, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि खुद ही को कर इतना बुलंद, जी हाँ दोस्तों खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा तुझसे खुद पूछे, बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो आज खुशी का भी दिन है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए तकलीफ का दिन है, और मैंने सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं जो असफल हो जाते हैं वो शराब पीते हैं, आज रात भर तकलीफ बनाते हैं, तकलीफ मत बनाओ। IAS बनना ही बहुत बड़ा तीर मार नहीं लेना है, आप के अगर एज बची हुई है और अटेम्प्ट बचा हुआ है तो आप एग्जाम फिर से दीजिए और अपनी सफलता का परचम लहराइए। तो दोस्तों मेरा असिस्टेंट का मेरा भाई जो है प्यारे लाल जी, जो आपको हंसाते रहते हैं, आज वो रो रहा है, दो शब्द आपसे कहना चाहता है प्यारे लाल जी, आइए स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं इसलिए रो रहा हूँ सर कि मेरा जो रिजल्ट नहीं आया, मैं रो रहा हूँ इसलिए, फेल हो गया सर। और मेरा दोस्त पास कर गया, सब दोस्त पास नहीं किया है, एक दो पास किया है और सब फेल हो गया है, हम भी फेल हो गए हैं। हम जानते हैं कि ठीक से तैयारी नहीं किए थे और अब उम्र भी खत्म होता जा रहा है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा है, हिम्मत नहीं आ रहा है। अविनाश सर का साथ जो है ना, अविनाश सर बहुत हमको साथ देते हैं प्यारे लाल, हम खाली कॉमेडी करते रहते हैं ना, लेकिन तैयारी करेंगे हम अच्छा से है ना, और नहीं होगा तो क्या होगा, नौकरी तो करते रहते हैं, हम बच्चा को पढ़ाएंगे, क्यों हम अब सफल क्यों हो जाते हैं बार बार, क्या उम्र अब अच्छा नहीं बचता है ना, अब ज्यादा उम्र हो गई है, आज रिजल्ट निकला है हम हंसा नहीं सकेंगे, आपको माफ कर दीजिएगा। ठीक है, हम बस इतना ही बोलना चाहते हैं, तैयारी ठीक से कीजिए और अपने आंसू ज्यादा नहीं बहाइएगा, मैं अपने के लिए रो लिया हूँ, मत रो मेरे भाइयों, नहीं रोना ठीक।